नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सोनभद्र, आला अधिकारियों में मचा हंडकंप, तत्काल हुई कार्रवाई। जुगेल थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरहरी के टोला हरसाधार में बनवाया जा रहा था आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें मानक रूप से कार्य नहीं कराया जा रहा था। खबर के माध्यम से CDPO सर के संज्ञान में ये मामला दिया गया और CDPO सर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ठीक इसके एक दिन बाद सर ने जाँच दल का गठन किया और जाँच कराकर कार्रवाई की, काम को फिर से अच्छे से कराने का दिया आदेश। ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और फिर से बना, कहा ऐसे अधिकारियों की है जरूरत। ग्राम पंचायत भरहरी में जो टोला हरसा डांड में आंगनबाड़ी का केंद्र बन रहा था, जो कल न्यूज़ के माध्यम से CDPO साहब के संज्ञान में भेजा गया, CDPO साहब ने संज्ञान में लेकर के अपने अधिकारी को भेजे यहाँ चेक के लिए। आइए जानते हैं कि क्या ये आपके सामने जो दिख रहा है, क्या ये सत्य और सही है? ईटा बालू वगैरह जो लगाया जा रहा है, जो काम तोड़ा जा रहा है, क्या ये सत्य और सही है कि नहीं है? आप CDPO साहब को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? CDPO साहब के आदेश से हम आए हैं और मैसेज मैं मोबाइल में आया था, CDPO साहब का भी आदेश था कि बताया जाए। हमारे मौके पर जब देख रहे हैं तो बात हमको तो देखने में सत्य लग रही है कि इसमें सीमेंट बालू का मटेरियल भी कम है, ईटा भी नंबर 3 का है और ये जब फोड़ रहा है तो फसल फसल फोड़ रहा है। लेकिन इससे ज्ञान हो रहा है कि इससे सीमेंट बालू की मात्रा कम है और बालू की मात्रा ज्यादा है। तो मैम, जैसे इसमें जो सरिया लगाया गया है वो भी मतलब देख रहा है कि डिस्टेंसिंग यानी ज़्यादा दूरी पे लगाया जाए, क्या ये उचित है? देखिए, सरिया बारे में तो हमको जानकारी नहीं, कैसे लगाना चाहिए कैसे नहीं लगाना चाहिए, मकान बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सबके संज्ञान के उसके माध्यम से लग रहा है कि उचित ऐसा सरिया नहीं है। ये ईटा 3 नंबर का लगा है? ईटा तो हमको 3 नंबर का लग रहा है। तो ये देखा जाए तो काम पूरी तरीके से मानक रूप से नहीं किया, मानक रूप से एकदम काम बड़ा वो कर रहा कि कल के बहुत चलता 2-4 साल में मकान खराब हो जाता है। तो मैम, इस पे आप लोग एक्शन ले रही हैं? अब एक्शन तो हमारे अधिकारी लेंगे, हम तो हमारा काम है सूचना देना। मैम, आप संज्ञान लेके जा रही हैं, सूचना देंगे? हाँ, सूचना देंगे, अधिकारी को अपना सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रहवासी है, निवासी है, जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है और क्या गलत है, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि शुरू से अंत तक इन्होंने यहाँ पे देखा है जो काम हो रहा है। हाँ, यहाँ पे काम तो शुरू से लेकर ही गड़बड़ किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी स्तर से ही जब बीम खड़ा हुआ उसी समय नीचे जब सोलिंग पड़ा तो उसमें घोल न सीमेंट डाल के खाली भक्सी का डाला गया सोलिंग। तो हम लोग कहे कि भाई इसको सही से करवाइए अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो बोले कि नहीं ठीक है चलेगा। तो फिर आगे चल के दीवार बीम खड़ा होने लगा और फिर आगे जाके क्या हुआ कि जब सेटरिंग खोला गया, बीम और बारजा निकला था वो सेटरिंग के साथ ही नीचे आ गया। अब बताइए, अब उसमें क्या बताएंगे हम लोग, अब आप लोगों से यही है कि इस बात। आप बताइए, आपका क्या नाम है? घनश्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या यहाँ क्या मामला चल रहा है? मामला के यहाँ पहले से ही काम गड़बड़ चल रहा है जी। उधर कैमरा में देखिए, हम बोलिए, यहाँ तो मामला पहले से ही गड़बड़, जैसा कि सूचना राकेश जी चाचा यहाँ रहते हैं जी बताए, वो बात सत्य है। एक दिन हमने आया और फिर कहा कि काम गड़बड़ चल रहा है, लगभग 16 तगाड़ी बालू था और सीमेंट यहाँ के लेबर एग्री से मतलब फेंक रहे थे कि लाल में 16 तगाड़ी बालू और 2-4 अजूरी से वो सीमेंट, यहाँ 2-4 अजूरी से सीमेंट रख रहे थे। अच्छा, हम कहीं इसी प्रकार मसाला बनता है, कहा थोड़ा भूरा हो जाए, कैसा बनवाइए। चलिए, जानकारी देने के बहुत बहुत धन्यवाद। सोनभद्र से खबर समय जगत के लिए राजेश सहवाल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।